वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। एंड आज मंडे है, सुबह 6:30 हो रहा है। मैंने इधर कुकर में लगा दिया है दाल, दाल के साथ एक टमाटर को चॉप करके, एक आलू को छील कर काट कर उसमें डाल दिया है, क्योंकि मुझे ये गोभी का सब्जी बनाना है। गोभी का सब्जी बनाने के लिए गोभी को मैं गर्म पानी में थोड़ा डाल दिया है, मैंने इधर गर्म पानी में थोड़ा हल्दी मिला के, ताकि गोभी के अंदर जो कीड़ा है वो निकल जाए। और इसको छोड़ दिया है कुछ देर तक, सिटी भी लग चुकी है और एक दो सिटी और एक सिटी के बाद इसको निकाल देंगे। और यहाँ पे गोभी को मैं कुछ देर तक रेस्ट करा रही हूँ यहाँ पे गर्म पानी में, तो ताकि इसके अंदर जो सारे कीड़े हैं कीड़े निकल जाए। फिर इसको कुछ टाइम के बाद इसको पानी से ड्रेन आउट कर देंगे और इसको सरसों के तेल में फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इधर ये थोड़ा सा गोभी, गाजर और बीट, इसको गोभी को काट के और गाजर बीट को कद्दूकस करके रख दिया है। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बनाना है। अब मैं यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ और कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि कढ़ाई गर्म होने तक प्याज काट लेंगे। प्याज भी कट हो गया है, तो यहाँ पर मैं सरसों की तेल दे रही हूँ। फिर ये तेल गर्म होने के बाद हम थोड़ा सा जीरा नहीं तो कुछ फोरन वगैरह डाल देंगे। मैं जीरा डालूंगी यहाँ पे, मिर्ची भी आप डाल सकते हो। मैं इसीलिए मिर्ची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रीन चिलीज मैं कट करके रखी हुई हूँ, तो सोची कि ग्रीन चिलीज डाल देती हूँ, वो भी विटामिन मिनरल्स रिच है। तो अभी गया जीरा, फिर ये है कड़ी पत्ता, मैं इसको सुखा के रखी थी। फिर थोड़ा सा प्याज डालूंगी, होने के बाद जो सब्जी मैंने काट के रखा था इधर इसमें सॉल्ट और हल्दी ऐड कर देंगे। सॉल्ट और हल्दी हमको पोहे के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि बाद में इसमें पोहा डाला जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि पोहा डालने के बाद इसमें जो डाला जाता है वो पूरा कच्चा रह जाता है और हमें लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही इसे डाल देती हूँ। ताकि ये थोड़ा थोड़ा पक जाए, तब तक मैं पोहा बनना मतलब धो के रेडी करती हूँ। मैंने यहाँ पे पोहा को धो के इसे ये स्टेनर में रख दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और ऐसे भी गोभी को भी इसे स्टेनर में रख दिया है, उसमें से भी सारा पानी निकल जाए। ये हम इसको चेक कर लेंगे कैसे बना है, हुआ है कि नहीं। हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पीनट ऐड करेंगे, फिर पोहा ऐड कर देंगे। पीनट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं इतना ही डालूंगी। पोहा देखिए,
कितना अच्छा दिख रहा है अभी पोहा हमारा। इसको ऐसे थोड़ा देर तक ट्राई करेंगे, फिर इसको टिफिन में भर के ओवन के लिए पैक कर देंगे। अभी फ्रेंड्स इधर रेडी है, तो इसमें पैक कर दिया मैंने। कढ़ाई भी गर्म थी तो इसमें मैं तेल भी ऐड कर दिया है मैंने, तो ताकि मैं ये गोभी को फ्राई कर सकूँ। गोभी भी ऑलमोस्ट रन आउट हो चुका है, तो इसको मैं अभी फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी इधर। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम अभी गोभी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इधर मैंने साल्ट और हल्दी ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा मिला के ढक के पकाएंगे, क्योंकि गोभी नहीं तो पकेगा नहीं, तो इसको ढक देंगे। इसको अभी ढक दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स इधर हमारा दाल भी पक चुका है, और ये टमाटर का पेस्ट नीचे जो मिक्सी में मैंने रखा हुआ है, अदरक और लहसुन का पेस्ट ये गोभी के सब्जी के लिए बना दिया है, राइस भी लगा दिया है, और ये है गोभी फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट, तो गोभी के लिए जो बॉयल करके आलू मैंने रखा था इधर, तो इसको मैं पीसेस में ऐड कट करके ये गोभी के साथ ऐड कर लूँगी, ताकि इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक और हल्दी आ जाए, दिखने में अच्छा है तेल में थोड़ा सा फ्राई होने में अच्छा दिखता भी है। तो मैंने इधर एक ही बस आलू लिया था, क्योंकि ऐसे भी आलू ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, और आजकल मैंने आलू का क्वांटिटी कम कर दिया है, क्योंकि आलू में फैट भी रहता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर आलू को पीसेस में कट करती हूँ, इसको इधर मिला लेते हैं। ये दिखने में भी अच्छा दिखता है आलू, थोड़ा सा बॉइल्ड आलू थोड़ा सा फ्राई होने के बाद कलर भी इसका अच्छा आ जाता है, तो दिखने में अच्छा दिखता है। तो अभी ये बन चुका है, अभी हम इसको निकाल के दूसरा जगह को ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर यहाँ पे कुकर मेरा सीटी लगने वाली है राइस का, 3 सीटी लगाने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम में इसको 3 सीटी में पकाती हूँ, और इसको निकाल के मैंने सरसों का तेल ऐड कर दूँगी। अभी मैंने इधर ज़्यादा सा सरसों का तेल इसीलिए ऐड किया है, क्योंकि मैं मसाला ज़्यादा सा बना ली हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं फ्राई करके इसको रख रही हूँ, ये फ्राई होने के बाद बहुत देर तक रहता है, बहुत दिन तक फ्रिज में, तो जब भी ज़रूरत पड़ता है थोड़ा थोड़ा डाल देने से टेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ज़्यादा सा मसाला बना लूँगी, फ्राई करके इसको रख लूँगी, तो इसीलिए मैंने तेल यहाँ पे ज़्यादा सा लिया है, ताकि ये मसाला फ्राई हो जाए। पहले मसाला को हम फ्राई करेंगे, ये अदरक लहसुन पेस्ट को, फिर
फिर उसके बाद ये ओनियन और टमाटर का पेस्ट वगैरह ऐड करेंगे। तो तेल हमारा गरम हो रहा है अभी। तो अभी हम इसको मसाला को छोड़ेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा गर्म होगा क्योंकि बबल्स है, बबल्स जाने के बाद ही हमको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स इधर मसाला को अच्छे से फ्राई होने तक भूनेंगे। अच्छे से फ्राई करके रख देने से आपको जो नरेश मैंने बोला था, क्योंकि मिक्सी में बार बार पीसना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा मसाला मन नहीं करता है कि इतना थोड़ा सा मसाला ठीक है बिना मसाला का खा लेंगे। अगर आप फ्राई करके रखे हुए हैं तो इसको बस थोड़ा सा ऐड करने से टेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। आंच को धीमी कर देती हूँ। मैं जब तक ये इधर पक रहा है, मैं दाल के लिए तड़का का प्रिपरेशन कर रही हूँ। दाल भी पक चुकी है हमारा, इसके साथ तड़का लगा दूंगी अभी क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे घी ले लिया है तड़का पैन में। घी भी गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ये प्याज, इसको भी इसको ऐड करके थोड़ा फ्राई कर दूंगी। फिर तड़का ला के दाल में डाल देती हूँ। तो कुछ प्याज भून रहा है उधर, जब तक ये मसाला चेक कर लेते हैं। इसको अभी हम निकाल देते हैं पैन को। इसको ढक कर रख देते हैं। सो फ्रेंड्स इधर तो हमारा मसाला बन के रेडी है, तो इसको हम गोभी में जितना जल जाता है उसको रख के और सारा निकाल देंगे। मुझे गोभी में इतना मसाला काफी लग रहा है क्योंकि टमाटर वगैरह डालने से ग्रेवी बन जाएगा और ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मसाला डालने से अच्छा टेस्ट भी आता है, और ज़्यादा मसाला होने से टेस्ट भी खराब हो जाता है। और अभी मैं इसमें प्याज डाल दूंगी जो मैं चॉप करके रखी थी। जब तक ये बन रहा था तब तक मैं यहाँ पे राइस भी पैक करके रख दी हूँ क्योंकि राइस भी बन चुका था। तो प्याज और टमाटर को एक साथ में पकने देती हूँ।
इसका टेस्ट ये थोड़ा अलग आता है पर ख़राब नहीं लगता है। वीडियो अभी थोड़ा अभी मतलब टाइम हो रहा है तो अभी हम इसको थोड़ा भून के फिर सॉल्ट और हल्दी वगैरह ऐड कर देंगे अभी। सो जब तक ये मसाला बन रहा है तब तक मैं चाय बना के रेडी करती हूँ। और ये है रायता के लिए प्रिपरेशन करके वहाँ पे चाय बना के रखती हूँ। तो देखते हैं मसाला अभी क्या हो रहा है। तो मसाला का हाल थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। मसाला हमारा बिल्कुल बन के रेडी है, कितना अच्छा दिख रहा है। स्मेल भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम गोभी और आलू को यहाँ पे छोड़ देंगे, थोड़ा देर तक इसको मसाले के साथ मिलाने देते हैं, फिर थोड़ा सा पानी देके इसको निकाल देंगे। बस मसाला बन गया है, अभी हम थोड़ा सा पानी देंगे, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि हमारा दाल है सारा सब्जी नहीं तो पानी पानी बन जाएगा, तो हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। मैंने इधर एक कप के आसपास, हाफ कप के आसपास पानी लिया है, एक कप नहीं हाफ कप पानी लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे जो फाइनली डाला जाता है जो मसाला, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आप लोग को जरूर पता होगा, गरम मसाला। तो अभी गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। सो अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड कर दिए। अच्छे से मिला के फिर इसको हम बॉक्स में पैक कर लूँगी और ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। बस बन गया है सब्जी हमारा, अभी हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी 8 o'clock हो रहा है और मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है, सारा बर्तन भी क्लीन हो चुका है, हर हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। लगभग 7:30 तक सारा काम हो जाता है, मतलब खाना बनाना हो जाता है और बाकी का काम जो रहता है जैसे कि किचन को पोछना ये सब साफ सफाई करके मैं इसको पोछ भी लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है। उसके बाद अश्री भी उठ गई है, उसको भी फ्रेश अप कराना है, उसको ब्रेकफास्ट कराना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा। और मैं फिर मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।